हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा द निटर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो रंगों का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप लेडीज स्वेटर, कोटी, कार्डिगन, जैकेट, ब्लैंकेट में, बच्चों के स्वेटर में, बेबी कैप में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 8 के मल्टीपल से प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं और हमारी ये डिज़ाइन 12 सिलाइयों में बनकर कम्प्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट और शिफ्ट होता है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 19 फंदे लिए हैं, 8 के मल्टीपल से 16 प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ राइट साइड से, रॉ 1 राइट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हमने फर्स्ट रॉ को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए, 4 फंदे हमने फर्स्ट कलर से उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर आपने एक फंदा सेकेंड कलर से बुनना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से 3 फंदे वापस से फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ के, स्टिच को छोड़ के, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फंदों के पैटर्न को रिपीट करते जाना है। ये 2 4 4 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, एक फंदा सेकंड कलर से, 3 फंदे फर्स्ट कलर से, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम 4 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए, पैटर्न रिपीट करते वक्त बीच में आपके पास 7 फंदे फर्स्ट कलर से आएंगे। अब एक फंदा हम यहाँ पर सेकेंड कलर से बना लेंगे इस तरह से। अब हम 3 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दो डिज़ाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में आपके पास 2 फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे, तो इन दोनों फंदों को भी हमने फर्स्ट कलर से उल्टा बुन लेना है। देखिए, 1 2। फ्रेंड्स, हमारी सेकेंड रॉ दूसरी सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ तीसरी सिलाई राइट साइड से। अब देखिए, जो हमारा एक फंदा है, ये हमारा बढ़ करके यहाँ पर दोनों साइड से एक एक फंदे, 3 फंदे हो जाएंगे रेड वाले। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये हमारा स्टिच है। अब हम यहाँ पर 3 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, तो स्टार्टिंग में टोटल 4 फंदों के बाद देखिए यहाँ पर हमने ये 3 फंदे अपने सेकेंड कलर से बुनने हैं, 1 2 3। 3 फंदे सेकेंड कलर से बनाए। अब 2 फंदे हम वापस से फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिच छोड़ने के बाद पहला फंदा छोड़कर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 3 फंदे सेकेंड कलर से बनाएंगे, 2 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे। तो यहीं 8 फंदे आपने रिपीट करते जाना है। फिर से रिपीट करेंगे, 3 फंदे फर्स्ट कलर से, 1 2 3। तो पैटर्न रिपीट करते वक्त बीच में आपके पास 5 फंदे फर्स्ट कलर से आएंगे। अब हम 3 फंदे सेकेंड कलर से बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। ये देखिए, 2 फंदे हम फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दो डिज़ाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में आपके पास 2 फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे, इन दोनों फंदों को भी हम फर्स्ट कलर से बुन लेंगे, 1 2। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड रॉ तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फोर्थ रॉ चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 2 फंदे हम बनाएंगे फर्स्ट कलर से, 1 2। ये देखिए, अब ये जो 3 फंदे हैं, ये बढ़कर हमारे 5 फंदे हो जाएंगे रेड वाले। तो 5 फंदे हम यहाँ पर सेकेंड कलर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सेकेंड कलर से बनाए, एक फंदा फर्स्ट कलर से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। 2 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 5 फंदे सेकेंड कलर से, एक फंदा
फर्स्ट कलर से। तो कितने भी आपके पास फंदे हों, यही 8 फंदे आप रिपीट करते जाइए। फ्रेंड्स फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब हम यहाँ पर 5 फंदे सेकेंड कलर से बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब एक फंदा फर्स्ट कलर से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में आपके पास 2 फंदा एक्स्ट्रा बचेगा, तो इन दोनों फंदों को भी आपने फर्स्ट कलर से उल्टा बुन लेना है, देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4th रो चौथी सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 5th रो पांचवी सिलाई राइट साइड से। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे फंदों को सेकेंड कलर से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे सेकेंड कलर के ऊन के साथ। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 6th रो छठवीं सिलाई रॉन्ग साइड से। यहाँ पर हमने सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए अपनी इस छठवीं सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 7th रो सातवीं सिलाई राइट साइड से। देखिए यहाँ पर हमने सारे फंदों को सीधा बुनते हुए अपनी 7th रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 8th रो आठवीं सिलाई रॉन्ग साइड से। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने इस 8th रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 फंदे हमने 4 सिलाइयाँ यहाँ पर हमने रेड कलर से सीधी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। और अब हम बनाएंगे 9th रो राइट साइड से। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट कलर का ऊन यूज करेंगे। देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाना है, हम यहाँ पर फंदे को स्लिप नहीं करेंगे क्योंकि हम कलर चेंज कर रहे हैं। एक फंदा सीधा बना लिया। अब जो ये देखिए पहला वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से सिलाई से उतार देंगे। अब हम यहाँ पर 4 बार इसको गिराएंगे। देखिए 1 हो गया, ये देखिए 2 3 और ये देखिए यहाँ पर एक बार और ये 4। ये 4 बार हमने गिरा लिया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे गिर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा वाइट कलर आ चुका है। तो देखिए जो ये वाला फंदा है, इसमें इस तरह सिलाई डालेंगे और ये जो 4 फंदे हमारे गिरे हैं, इन 4 के नीचे से इस तरह सिलाई डालते हुए इस तरह से, देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे सीधा बुन लेंगे ऐसे, ये देखिए। अब हमने यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 3 फंदे सीधे बनाए। अब देखिए हमने फिर से फंदों को गिराना है 3 बार। देखिए इस फंदे को गिरा देंगे तो 3 बार हम यहाँ पर ओपन करेंगे। देखिए 1 2 3 3 बार ओपन कर लिया। देखिए ध्यान से धागा यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 धागे आपको दिख रहे हैं। अब देखिए जो हमारा फंदा है, इस तरह सिलाई पर लेंगे और तीनों फंदों के नीचे से इस तरह सिलाई डालेंगे, जो 3 धागे हैं इनके नीचे से, और इसे सीधा बना लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे इसके नीचे से, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर फिर से 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फंदों का पैटर्न रिपीट करते जाना है। 4 बार फंदे ड्रॉप करेंगे और फिर सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 बार फंदे ड्रॉप करेंगे, सीधा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहीं आपने 8 फंदे बार बार रिपीट करते जाना है, आपके पास कितने भी फंदे हों। अब देखिए फिर से रिपीट करेंगे, इस फंदे को हम 4 बार ड्रॉप करेंगे। तो जब 4 बार ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर हमारा वाइट वाला फंदा आ जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। अब इसमें इस तरह सिलाई डालेंगे और 4 फंदों के नीचे इस तरह से करेंगे सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बनाएंगे ऐसे। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से, अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से हम यहाँ पर 3 बार फंदों को गिराएंगे, 1 2 और ये वाला 1 3। अब जो फंदा बचा है इसमें इस तरह सिलाई डालेंगे और तीनों फंदों के नीचे से ऐसे सीधा बना लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से।
फिर से तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर दो डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे, तो जो ये वाला फंदा है इसे हम ड्रॉप करेंगे इस तरह से चार बार, एक दो तीन चार। और जब चार बार ड्रॉप कर देंगे तो जो व्हाइट वाला फंदा मिलेगा इसमें इस तरह सिलाई डालते हुए चारों फंदों के नीचे से इसको सीधा बुन लेंगे ऐसे। लास्ट का फंदा है स्टिच का, इसे भी सीधा बना लेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 9th रो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 10th रो, 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड से। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए अपने इस 10th रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 11th रो। 11th रो को हमने फर्स्ट कलर से ही सभी फंदे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 12th रो, 12वीं सिलाई रॉन्ग साइड से। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए अपने 12th रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ ये पैटर्न ओवर हो जाता है। अब हमारा पैटर्न रिपीट और शिफ्ट होगा। तो देखिए हमने कैसे करना है। अब हम देखिए डिजाइन यही बनाएंगे, लेकिन हम इन दोनों पैटर्न्स के बीच में यहाँ पर बनाएंगे और स्टार्टिंग में हमारी हाफ हाफ डिजाइन बनेगी। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 13th रो, 13वीं सिलाई राइट साइड से। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और फर्स्ट कलर से ही हमने सभी फंदों को सीधा बुनते हुए इस 13th रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 14th रो रॉन्ग साइड से। तो देखिए यहाँ पर मैं 3rd कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं मल्टी कलर में बना रही हूँ। अगर आप दो कलर में ही बना रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, बट हमारा फर्स्ट कलर यही रहेगा, आपने फर्स्ट कलर को नहीं चेंज करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए एक फंदा हम 3rd कलर से बुनेंगे इस तरह से, और अब हमने 7 फंदे फर्स्ट कलर से उल्टे बुनने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए फ्रेंड्स, एस्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। आपने एक फंदा 3rd कलर से बनाना है, 7 फंदे आपने फर्स्ट कलर से बुनने हैं। तो फिर से रिपीट करेंगे, एक फंदा 3rd कलर से और 7 फंदे हमारे फर्स्ट कलर से बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे, तो एक फंदा हम 3rd कलर से बना लेंगे और एक फंदा फर्स्ट कलर से ऐसे। तो देखिए इस तरह से अब हम बनाएंगे 15th रो राइट साइड से। तो देखिए अब यहाँ पर हम 3 फंदे 3rd कलर से बुनेंगे स्टार्टिंग में। देखिए 1, 2, 3। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, राइट साइड से आपने फंदों को सीधा बुनना है, रॉन्ग साइड से आपने फंदों को उल्टा बुनना है। केवल हमने कलर चेंज करके डिजाइन बनाना है। तो देखिए 3 फंदे हमने 3rd कलर से बनाए। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 5 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 3 फंदे हम 3rd कलर से बुनेंगे। 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। आपके पास कितने भी फंदे हो, यही 8 फंदे आप रिपीट करते जाइए। 5 फंदे आपने फर्स्ट कलर से बनाने हैं, 3 फंदे 3rd कलर से बनाने हैं, या फिर आप जो भी कलर लगाना चाहें यहाँ पर इस तरह। फिर से देखिए 5 फंदे हम फर्स्ट कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर 3 फंदे 3rd कलर से। 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर 15th रो कंप्लीट हुई। अब बनाएंगे 16th रो 16वीं सिलाई रॉन्ग साइड से। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे 3rd कलर से बुनने हैं। 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम 3 फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3। 3 फंदे फर्स्ट कलर से बनाए, 5 फंदे 3rd कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3,
चार पाँच। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के चार फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। आपने तीन फंदे फर्स्ट कलर से बनाने हैं, पांच फंदे आपने सेकंड कलर से बनाने हैं, थर्ड कलर से बनाने हैं। तो आपके पास कितने भी फंदे हो, आप यहीं आठ फंदे रिपीट करते जाइए। एंड लास्ट में आपके पास सात फंदे बचेंगे। तो तीन फंदे आपने फर्स्ट कलर से बनाने हैं, एक दो तीन, और चार फंदे हम थर्ड कलर से बना लेंगे, एक दो तीन चार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 16th रो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे 17th रो। तो 17th रो को हमने थर्ड कलर से बुनना है और सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम इस 17th रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाएंगे 18th रो रॉन्ग साइड से। तो देखिए 18th रो को हमने सारे फंदे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे 19th रो राइट साइड से। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हमने इस 19th रो को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे 20 रो रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस 20 रो को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर 20 रोज तक बन चुका है और अब हम यहाँ पर वापस से फर्स्ट कलर का ऊन यूज करेंगे। देखिए कैसे करना है, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि हम उनका कलर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फंदे को स्लिप नहीं करेंगे। अब देखिए, अब ये वाला फंदा हम ड्रॉप कर देंगे, इसको हम तीन बार गिराएंगे, ड्रॉप करेंगे। देखिए एक एक हो गया, दो और एक बार और तीन, तीन बार गिराया। अब देखिए फंदे में इस तरह सिलाई डालेंगे और ये तीनों फंदों के नीचे से इस तरह से ऐसे लाएंगे और जो फंदा है देखिए यहाँ पर इसके बीच से फंदा इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे बिना। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन इस तरह से। अब ये वाला फंदा हम देखिए चार बार ड्रॉप करेंगे, एक दो तीन चार, यहाँ पर हमारा वाइट कलर आ जाएगा ऐसे। तो देखिए आपने इसके अंदर से फंदा निकालना है। देखिए जो हमारा फंदा है, फंदे के अंदर जिस तरह से हम बुनते हैं, तो इस तरह सिलाई डालेंगे और इन चारों फंदों के नीचे से ऐसे बुनेंगे। देखिए जो ये फंदा है इसके, ये देखिए ऐसे इसको बुन लिया। तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। अब देखिए जो ये वाला फंदा है इसको हम तीन बार ड्रॉप करेंगे, एक दो तीन, और फंदे में इस तरह सिलाई डालते हुए और ये तीनों फंदों के नीचे से ये वाला फंदा हम देखिए ऐसे बुन लेंगे, बिल्कुल इस तरह से ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फंदे को चार बार ड्रॉप करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फंदे को तीन बार ड्रॉप करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब फंदे को हम चार बार ड्रॉप करेंगे, ये वाला एक दो तीन और ये चार, ये देखिए। अब ये वाला जो फंदा है इसमें सिलाई डालेंगे और सभी ये चारों फंदों के नीचे से ये वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब ये वाला फंदा वापस से तीन बार ड्रॉप करेंगे, देखिए एक दो तीन, और ये फंदे में इस तरह सिलाई डालेंगे और तीनों फंदों के नीचे से इसको सीधा बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दो डिज़ाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा, तो इसे हम सीधा बना लेंगे, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 21 रोज कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम 22वीं सिलाई को उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे, 22 रोज को। फ्रेंड्स, अब हम 23वीं सिलाई को सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 24वीं सिलाई को उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ ही पैटर्न ओवर हो जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल पफी सा, बिल्कुल उभरा हुआ, ये हार्ट शेप में बनकर पैटर्न आया हुआ है।
फ्रेंड्स अगर आपके पास बचा खुचा ऊन है तो आप इस प्रोजेक्ट में आसानी से यूज कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर में स्टार्टिंग में एज अ बॉर्डर बना सकते हैं, यानी कि 2-3 बार रिपीट कीजिए ये पैटर्न, 1-2 और 1 बार और बना लीजिए, बाकी का पूरा स्वेटर प्लेन बनाइए, कॉलर पे बना लीजिए, बाजू पर बना लीजिए, और अगर आप चाहें तो पूरे स्वेटर में इसे बनाते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।